ताई जी ने गहरी सांस ली और अपना सर हिलाते हुए कहा। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता गया वो अकेला रहने लगा, पढ़ने के लिए विदेश चला गया और जब वो लौटा तो वो पहले से भी ज़्यादा कठोर हो गया था। वो दीप और शौर्य के अलावा और किसी को भी अपने करीब आने नहीं देता था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो ऐसा बन गया। किसी वजह से भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया, लेकिन हमने कभी भी अंश को खुद से अलग नहीं समझा। तुम्हारे ताऊ जी अंश से बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। ये कहते हुए वो थोड़ी उदास हो गई। सोना ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी भी उसे अंश के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी और ऐसा लगता था कि वो कभी उसके बारे में जान ही नहीं पाएगी, क्योंकि अंश कभी अपने बारे में उसे नहीं बताता था, खास करके अपने पास्ट के बारे में। नीलिमा उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने दोनों बच्चों को देखा और कठोरता से कहा, हाँ मुझे ये डर है कहीं अंश इन्हें भी अपने जैसा ही ना बना दे, पत्थर दिल और निर्दयी, जिन्हें अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख और तकलीफ देना अच्छा लगता है। उनकी बात सुनकर सब उन्हें देखने लगे। नीलिमा की बात सब अच्छे से समझ रहे थे। सोना कुछ सोचते हुए बोली, हाँ माँ आपने सही कहा, हमें भी डर है कि बच्चे उनकी गलत आदतों को ना अपना लें, लेकिन फिर ख्याल आता है कि बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं, आप उन्हें जिस रंग में ढालते हैं वो उस रंग में ही ढल जाते हैं। ये तो हमारे ऊपर होता है कि हम उनमें कौन सा रंग भरना चाहते हैं। कुछ पल रुकने के बाद उसने फिर से कहा, हमें पता है कि अंश में कई सारी खामियां हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि अंश हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो चीज़ सही हो या ना हो। हम अपने बच्चों को उनके जैसा ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हम इन्हें सही और गलत में फ़र्क करना सिखाएंगे। हम इन्हें समय आने पर कठोर होना भी सिखाएंगे और समय आने पर झुकना भी सिखाएंगे। ये कहते हुए वो नीलिमा की आंखों में देखने लगी। नीलिमा ने अपना सर दूसरी तरफ कर लिया। वो अच्छे से समझ रही थी कि सोना उसे क्या कहना चाह रही थी, लेकिन वो अपने गुस्से में कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। सोना ने सीधा उनकी परवरिश पर सवाल उठा दिया था, क्योंकि अंश की परवरिश तो उन्होंने ही की थी, लेकिन इसमें नीलिमा या शिवा का भी पूरा दोष नहीं है। अंश आज कठोर और निर्दयी है क्योंकि हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। पीहू और शिवी ने देखा अब मैटर बहुत सीरियस होने लगा है, तो उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और सारांश को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। दोनों ने सारांश को देखा जो आराम से सो रहा था और बोले, वी आर सॉरी बच्चा, और उसके बाहर पर हल्की सी चिमटी काटी, जिससे सारांश बहुत जोर से रोने लगा। शिवी धीरे से बोली, अरे इतना जोर से नहीं काटना था, देखो ये बहुत रो रहा है। शिवी परेशान हो गई। पीहू नीलिमा के कमरे की तरफ जाते हुए जोर से चिल्लाई, भाभी देखो ना सारांश बहुत रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, आप प्लीज इसे चुप कराइए ना। सोना ये सुनकर कमरे से बाहर आ गई। उसने सारांश को शिवी की गोद से लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, हो बच्चा क्या हुआ, क्या हमारे बच्चे को फिर से भूख लगी है? शिवी और पीहू एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी भाभी इसने बेबी को चिमटी काटी थी, और एक दूसरे की तरफ उंगली पॉइंट कर दी। सोना हैरानी से दोनों को देखने लगे। दोनों ने हाथ नीचे कर लिया। पीहू बोली, वो भाभी आपको और आंटी को देखकर लग रहा था अभी अंश भाई को लेकर आप दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है, इसलिए। सोना ने अपना सर हिला दिया। ये लड़कियां भी ना। शिवी और पीहू मुस्कुराए। पीहू चहकते हुए बोली, वैसे भाभी हमें ना आपसे कल की होली की तैयारी को लेकर बात करनी है। इतना कहकर उसने सोना के दूसरे हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए ऊपर ले आई। पीहू ने सोना को कॉरिडोर के सोफे पर बिठाया और उसके पास पैरों को मोड़ कर बैठ गई। शिवी भी दूसरी तरफ आकर बैठ गई। सोना दोनों को देखने लगी। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी आपको क्या लगता है कल होली खेली जाएगी या नहीं? क्योंकि हमें लगता है कल की होली हर साल की तरह ग्रैंड ना होकर बहुत बोरिंग होने वाली है। सोना ने कहा, अच्छा ऐसा क्यों? पीहू फिर से बोली, ओफो भाभी आपको पता नहीं है क्या, इस घर में आधे से ज्यादा लोगों को होली खेलना पसंद नहीं है, और उनमें से हमारी शिवी और अंश भाई हैं। सोना ने शिवी को देखा। शिवी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो भाभी मुझे कलर्स पसंद नहीं। सोना हैरानी से उसे देखने लगी। उसने कहा, अच्छा लेकिन हमें तो रंगों से खेलना बहुत पसंद है, हम इंदौर में छोटे के साथ पूरा दिन रंगों से खेलते थे, कोई रंगों को नापसंद भला कैसे कर सकता है? शिवी ने कहा, पता नहीं भाभी मुझे भी पहले कलर्स बहुत पसंद थे, लेकिन। उसने गहरी सांस ली। जब वो इस घर में आई थी उस दिन भी होली का दिन था, और जब वो चीज़ों को समझने लगी तब उसे समझ आया कि उसकी लाइफ में रंगों की कोई जगह नहीं है। पीहू ने कहा, और भाभी आपको पता है यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होने वाला। सोना ने कहा, अरे ऐसे कैसे कोई रंगों को मना कर सकता है, हम खेलेंगे होली। पीहू ने कहा, व
वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अंश भाई का क्या? वो रंग देखकर ही चिढ़ने लगते हैं। आज तक वो दीप और शौर्य भाई के साथ भी होली नहीं खेले। होली के दिन भी वे अपने स्टडी रूम में ही बंद होते हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से प्यार है, बाकी चीज़ें तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। और आप देखना, कल भी पक्का उनकी कोई मीटिंग या फिर से देश से बाहर जाने का प्लान होगा। सोना उनकी बातों में आते हुए बोली, अच्छा, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम भी देखते हैं कल कैसे होली नहीं खेलेंगे वो। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ देर प्लान डिस्कस करने के बाद उसने कहा, तुम दोनों समझ गए ना? पीहू और शिवी ने हाँ में सर हिलाया। सोना ने देखा सारांश फिर से रोने लगा है। उसने कहा, शायद इसे भूख लगी है, अब हम चलते हैं, सुबह तुम लोगों से मिलेंगे। और वो सारांश को लेकर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद पीहू हंसने लगी। उसने शिवी को देखा जो एकदम शांत हो गई थी। वो उसे साइड से हक करते हुए बोली, क्या हुआ, अब तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? शिवी ने उसके हाथ को अपने ऊपर से हटाया और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पीहू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो कल के लिए बहुत एक्साइटेड थी। इधर सम्राट अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसने तीनों लड़कियों को बैठे हुए देखा और वो जाते हुए रुक गया। उसने सोना की सारी प्लानिंग सुनी तो वो भी हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हारे प्लान पर तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, पर ट्रस्ट में मिसेज रायजादा, तुम्हारी होली मैं स्पेशल बनाऊंगा। इधर सोना सारांश को लेकर कमरे में आ गई। उसने देखा अंश पहले ही कमरे में सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसने सारांश को बेड पर अच्छे से सुला दिया और अंश के पास आ गई। उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं? अंश ने कहा, मैं कल सुबह गुड़गांव जा रहा हूँ कुछ काम से, बस उसका ही शेड्यूल देख रहा हूँ। सोना हैरान हो गई। शिवी और पीहू ने ठीक ही कहा था, इन्हें काम के अलावा और कुछ नहीं दिखता। सोना मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। अंश अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, अयांश कहाँ है? उसके सवाल पर सोना अपने सर पर मारते हुए बोली, अरे हम तो कल की प्लानिंग के चक्कर में उसे भूल ही गई। उसकी बात सुनकर अंश आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? उसके सवाल पर सोना ने अपनी जीभ को दांत से दबा लिया। उसने हकलाते हुए कहा, वो कल होली है ना, तो हमने सोचा सबके लिए मिठाई तैयार कर देंगे, बस यही और कुछ नहीं। अंश ने अपना सर हिला दिया। सोना ने गहरी सांस ली क्योंकि अंश ने उसकी बात को सच मान लिया। उसने कहा, हम अयांश को लेकर आते हैं, और वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो अकेली वापस आई। अंश ने उसे देखा तो सोना बोली, वो ताई जी ने कहा है कि अयांश को वो अपने साथ सुला रही हैं, इसलिए। अंश ने हाँ में सर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम भी सो जाओ, मुझे कुछ काम है। सोना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो बस अंश को देख रही थी। जब से वे लोग मुंबई से आए थे तब से अंश थोड़ा अजीब सा हो गया था। यूँ तो हर वक्त वो उसे चिपका रहता था, पर ना जाने क्यों इन दिनों वो सिर्फ अपने लैपटॉप, फाइल्स और मोबाइल्स में ही लगा रहता था। एक तरह से देखा जाए तो अंश ने सोना से दूरी ही बना ली थी। बेड पर भी वो उसके सोने के बाद ही आता था। ऐसा शायद उस रात जो उसने किया था उसकी वजह से हुआ होगा। ये सोचते हुए सोना ने गहरी सांस ली और वो बेड पर आकर बुक खोल कर बैठ गई। अगले दिन सोना मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। उसने गोल्डन रंग की साड़ी पर ग्रीन ब्लाउज कैरी किया था। उसने अंश को देखा जो बेड पर पेट के बल सो रहा था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। सारांश को सुबह ही छाया तैयार करने के लिए अपने साथ ले गई थी। सोना अंश को जगाने ही जा रही थी कि उसे कुछ याद आया और वो रुक गई। वो शरारत भरी आंखों से अंश को देखने लगी। सोना ने कबर्ड के ऊपर देखा जहां पर एक बॉक्स रखा था। वो अपना हाथ ऊपर करके उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगी, पर उसके मूवमेंट से उसकी चूड़ियां बहुत शोर कर रही थी, जिसकी वजह से अंश की नींद भी खुल गई। उसने सोना को इतने ऊपर से कुछ निकालने की बेकार कोशिश करते हुए देखा और अपनी आंखें मसलते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। सोना उसे देखकर नर्वस होकर मुस्कुराई और ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोली, उसे नीचे उतारिए, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। अंश ने वैसा ही किया। उसने जैसे ही उस बॉक्स को नीचे उतारना चाहा, वो बॉक्स उसके हाथ से फिसल गया। अंश संभल पाता उससे पहले बॉक्स का सारा पाउडर अंश के ऊपर गिर गया। ये देखकर सोना अपने होठों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए पीछे हट गई। अंश ने घूर कर सोना को देखा तो सोना वहां से भाग गई। सोना नीचे आ गई। नीचे पूजा की तैयारी हो चुकी थी। सोना ने महादेव की मूर्ति के आगे पूजा की और सबसे पहले दादू को गुलाल का टीका लगाकर उन्हें होली विश की। सोना सबको विश करने के बाद नीलिमा के सामने आ गई। उसने नीलिमा के दोनों गालों पर थोड़ा सा गुलाल लगाया और गिल्टी टोन में बोली, हैप्पी होली माँ, कल जो हमने आपसे बदतमीजी की थी उसके लिए आई एम सो सॉरी। नीलिमा ने कोई जवाब नहीं दिया,
लेकिन उसने टेबल से गिफ्ट पैक उठाया और सोना को देते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए, इस घर में तुम्हारी पहली होली है, महादेव तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति दे। सोना गिफ्ट लेते हुए बोली, थैंक यू माँ। सोना आयांश और सारांश के पास आई। सोना ने दोनों को टीका लगाया और उनके माथे पर चूमते हुए बोली, हैप्पी होली बच्चों, तुम दोनों के जिंदगी में आने से हमारी जिंदगी और भी रंगीन हो गई। और वो मुस्कुराई। सबको रंग लगाने के बाद सोना पीहू और रिहान के पास आ गई। रिहान भी उनके प्लान में शामिल हो गया था। उसने धीरे से कहा, क्या सब सेट है? पीहू ने हाँ में सर हिलाया। वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने ही वाले थे कि तभी सबको ऊपर से अंश के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, बीवी क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सब उस आवाज की तरफ देखने लगे। अंश को इस तरह देखकर सब हैरान हो गए। अंश सीढ़ी पर पूरी तरह से लाल रंग में नहाया हुआ लग रहा था, बस उसकी आंखें ही चमक रही थी। दरअसल कुछ देर पहले जो पाउडर अंश के ऊपर गिरा था वो सूखा रंग था, जो कि पानी के कांटेक्ट में आने से लाल हो गया था। उसे इस तरह देखकर रिहान और दीप की हंसी छूट गई। उनके साथ सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अपनी हालत पर हंसते देखकर अंश सबको घूरने लगा। सोना को भी अंश को देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक रखी थी। दादू ने रिहान के कान में कहा, ये पक्का अंश ही है ना, हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। रिहान ने कहा, हाँ दादू, ये अंश भाई ही है, भाभी ने इन्हें अपने प्यार के रंग में पूरी तरह से रंग दिया है। और वो जोर जोर से हंसने लगा। सबको अपने ऊपर हंसते देखकर अंश के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अंश गुस्से में सोना को देखते हुए बोला, तुमने किया है ना ये, क्या तुम नहीं जानती मुझे काम से बाहर जाना था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कलर डालने की? उसकी बात सुनकर सोना मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, हमें नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अचानक से उसने अपना सर पीट लिया और वो अंश को देखते हुए बोली, ओ सॉरी मिस्टर रायजादा, हम आपको बताना तो भूल ही गए, आज शावर में पानी लाल रंग का आ रहा था। ये कहते हुए वो अपनी हंसी दबाने लगी। सब हैरानी से सोना को देखने लगे। सबको ऐसे खुद को देखते पाकर सोना चुप हो गई। उसने बेचारी नजरों से सबको देखा और अपने पल्लू को उंगली में लपेटने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, वो हम आप सबसे कहना चाहते थे कि और तभी कहीं से उड़ते हुए बहुत सारे रंगों से भरे बलून सबको आकर लगे। सोना ताली बजाते हुए जोर से बोली, पुराना मानो होली है। और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी हवेली में गूंजने लगी। सब मुंह खोलकर सोना को देख रहे थे। सबका चेहरा और कपड़े होली के रंग में रंग गए थे। कुछ देर बाद सोना शांत हुई और सबको देखने लगी। अब सब उसे घूर रहे थे। सोना ने खुद से कहा, सोना लगता है तूने गड़बड़ कर दी, अब तो तू गई काम से। सोना ने सबको डरते हुए देखा और हकलाते हुए बोली, हमने ये अकेले नहीं किया है, हमारे साथ रिहान और पीहू भी हैं। पीहू उसके पास आते हुए धीरे से बोली, भाभी ये हमने नहीं किया, हमने तो सूखी होली का प्लान बनाया था। सोना के मुंह से हैरानी से निकला, क्या? रिहान ने भी धीरे से कहा, हाँ भाभी मैंने भी नहीं किया। ये जानकर कि ये सब उसके प्लान से उल्टा हो गया था, उसने रुआसा होकर सबको देखा और सबकी डांट खाने के लिए चुपचाप खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर सम्राट पर पड़ी, जो सबसे दूर साफ सुथरे कपड़ों में खड़ा उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। सोना ने उसे मुस्कुराते देखा तो सब समझ गई। सम्राट ने उसी तरह उसे आई विंक की और वहां से चला गया। सोना ने मुंह बनाया। तभी नीलिमा उसके पास आई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, सोना मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम जानती हो ना अभी अभी घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम इस तरह होली खेल रही हो, अपनी नहीं तो हमारी फीलिंग के बारे में सोचो, या फिर अंश के साथ रहते हुए तुम्हें भी हमसे फर्क पड़ना बंद हो गया है। नीलिमा के इस तरह डांटने से सोना को बहुत बुरा लगा। उसने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, आई एम सॉरी माँ। नीलिमा फिर से कुछ बोलने को थी कि शिवा उसे रोकते हुए बोले, नीलिमा शांत हो जाओ, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आज त्योहार का दिन है, बच्चों का मन है होली खेलने का, तुम खामखा ही बात को बड़ा कर रही हो। नीलिमा ने उसे घूर कर देखा और बोली, शिवा आपको ये छोटी बात लग रही है? अभी कुछ दिन पहले ही इस घर में मौत हुई है और आप इसे छोटी बात कह रहे हैं, मुझे आपसे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। शिवा कुछ कहते उससे पहले सोना ने कहा, माँ आई एम सॉरी,
हम इस तरह आपकी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे, पर आप ही सोचिए ना, किसी के जाने से हमारी जिंदगी रुक नहीं जाती। हम जानते हैं करण आपके लिए कितना मायने रखता है, पर हमें समझ नहीं आ रहा आप सच जानने के बाद भी आप उसके लिए अपने परिवार से नाराज कैसे रह सकती हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम ठीक हैं। अगर करण ने उस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया होता तो आप क्या करती? क्या आप तब भी उसका साथ देती? सोना ने सवाल किया। नीलिमा के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। सोना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं समझ आ रहा ना क्या जवाब दे। हम जानते हैं आपका जवाब माँ, आप करण को कभी माफ नहीं करती। फिर ये बेरुखी क्यों? अपने बेटे से नाराजगी क्यों? क्या आपका मन इतना कठोर हो गया है अंश के लिए कि इतने सालों का प्यार आपने एक पल में ही भुला दिया? बताइए माँ। उसके इतने सारे सवालों के बदले में नीलिमा ने उसे अपनी खाली आंखों से देखा, क्योंकि नीलिमा के पास इस बार भी कोई जवाब नहीं था। उसने अंश को देखा। अंश सोना के पास आकर खड़ा हो गया। उसने नीलिमा को देखा और सोना से बोला, सोना तुम्हें किसने कहा मॉम से सवाल करने के लिए? तुम उनसे कुछ नहीं पूछ सकती, आई बात समझ में? तुम्हें उनसे सवाल करने की इजाजत नहीं है। से सॉरी टू हर और चलो यहां से। सोना हैरानी से अंश को देखते हुए बोली, हम किस बात की माफी मांगे अंश? क्या हम नहीं जानते आप किस दर्द से गुजर रहे हैं? आपको तकलीफ होती है माँ की बेरुखी से, फिर ये? वो कह ही रही थी कि अंश ने तेज आवाज में कहा, इनफ सोना, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, चलो यहां से। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो नीलिमा उसे रोकते हुए बोली, रुको। अंश के कदम रुक गए। सोना ने नीलिमा को देखा। नीलिमा उनके पास आई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आई एम सॉरी सोना, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझे तुमसे नाराज होने का कोई हक नहीं है, पर मैं क्या करूँ, करण भी मेरा ही बेटा था। उसके जाने के बाद जैसे मैं सेल्फिश सी हो गई थी। मैंने एक बेटे को खो दिया पर दूसरे को नहीं खो सकती। थैंक यू बेटा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। उसकी बात सुनकर सोना अपनी नम आंखों के साथ उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। नीलिमा ने अंश को देखा जो उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने अंश के गाल पर हाथ रखा और कहा, माफ कर दे अपनी मॉम को, आई एम सो सॉरी। अंश ने उसके हाथ को पकड़ा और बोला, मैं कभी आपसे नाराज नहीं था मॉम। नीलिमा उसके सीने से लग गई। तभी बाहर ढोल नगाड़े वालों की आवाज आई। सोना ने खुश होकर नीलिमा को देखा तो नीलिमा ने उसे जाने का इशारा किया। सोना ने उसे हक किया और वहां से बाहर भाग गई। उसे इतना खुश देखकर सब हंसने लगे। रिहान, पीहू, दीप ने भी उसे ज्वाइन कर लिया और वे सब नगाड़े की धुन पर नाचने लगे। तभी अंश भी बाहर आ गया। वो अभी घर से बाहर निकला ही था कि ऊपर से किसी ने उसके ऊपर बाल्टी भरकर रंग डाल दिया। अंश ने अपने चेहरे से रंग साफ किया और ऊपर देखने लगा। बालकनी में क्रिश और शौर्य अंश को देखकर अपनी बत्ती से चमका रहे थे। सोना ने उसे देखा तो हंसने लगी। वो उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए सबके बीच ले आई और उसका हाथ छोड़कर अपने कमर पर हाथ रखते हुए डांस करने लगी। अंश उसे खड़ा बस देखने लगा। वो कितनी खुश थी। अंश के साथ किसी और की भी नजर सोना के खिलखिलाते चेहरे पर थी। सम्राट सबसे दूर सोना को खुश होते हुए देख रहा था और अंदर ही अंदर कुड़ता जा रहा था। उसे याद है कि सोना उसके साथ किस तरह बिहेव करती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने अंदर सोना के लिए डेवलप हो रहे एहसासों को रोक नहीं पा रहा था। ना जाने ऐसा क्या था इस लड़की में कि वो उसे चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग रंग में रंगे हुए थे, बस सोना को छोड़कर। वो अभी भी चमक ही रही थी। अंश उसे खुश होते देख रहा था। तभी दीप और शौर्य हंसते हुए अंश के पास आए और दोनों उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, भाई मान गए तेरी बीवी को, हम इतने सालों से तेरे दोस्त होकर तुझे रंग नहीं लगा पाए और तेरी बीवी ने बस कुछ ही पल में तुझे रंगीन कर दिया और उसने रंग भी ऐसा लगाया कि तू इंसान से बंदर लग रहा है। और दोनों मुंह छुपाकर हंसने लगे। ये सुनकर अंश ने उनके हाथों को अपने कंधे से झटका और दोनों को घूरते हुए बोला, तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत, मेरे दोस्त होकर तुम दोनों ने उसका साथ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो जाने लगा तो शौर्य उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट अंश। अंश जाते हुए रुक गया। शौर्य ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता या फिर आंखों के होते हुए भी अंधा है? अभी तक तेरी बीवी को किसी ने रंग नहीं लगाया। तुझे नहीं लगता जिसने हम सबको कलर्स में नहला दिया वो इस तरह साफ सुथरी अच्छी नहीं लग रही? ये कहते हुए वो अपनी भौहें मटकाने लगा।
अंश समझ गया शौर्य क्या कह रहा था। उसने पास की थाल से रंग उठाया और नगाड़ों के बीच डांस कर रही सोना के पास आ गया। इधर दीप शिवी को ढूंढने लगा, लेकिन शिवी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने कुछ सोचा और हवेली के अंदर चला गया। वो सीधा शिवी के कमरे में आ गया, जहां पर शिवी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ सबको एंजॉय करते देख रही थी। तभी उसे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ी तो दीप को देखकर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं दीप? दीप पूरी तरह से कलर्स में नहाया हुआ था। उसने शिवी को शरारती मुस्कान के साथ देखा और उसके पास आते हुए बोला, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारी पहली होली है साथ में। इससे पहले तो तुम हॉस्टल में भाग जाती थी, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए वो शरारती नजरों से उसे देखते हुए उसके पास आने लगा। उसे अपने पास आते देख कर शिवी दीवार से टिक गई। वो उसे मना करते हुए बोली, दीप प्लीज, मुझे कलर्स पसंद नहीं है, प्लीज मत लगाओ ना। दीप उसके पास आया और उसके सर के पास दीवार पर हाथ टिकाकर खड़ा होते हुए बोला, क्यों, तुम्हें कलर्स क्यों नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है। समझ लो ये मेरे प्यार का रंग है और मैं तुम्हें भी इस रंग में रंगना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने उसे रंग लगाना चाहा, तो शिवी ने उसके हाथ को झटक दिया और बोली, प्लीज दीप, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। दीप उसकी इस हरकत पर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, ठीक है, पड़ी रहो इसी घुटन भरी लाइफ में, मैं ये मान लूंगा तुम मेरे साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। ये कहते हुए वो जाने लगा तो शिवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीप ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवी उसके सीने से लगते हुए बोली, आई एम सॉरी दीप, लेकिन मुझे डर लगता है अगर किसी ने रंग लगाने के बहाने मेरे साथ फिर से। दीप ने उसकी बात सुनी और उसे चुप कराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, जो भी था सब खत्म हो चुका है, प्लीज भूल जाओ उस हादसे को और आज से नई खुशियों को अपनी जिंदगी में आने दो मेरे लिए। शिवी ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद दीप उससे अलग हुआ और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ होली खेलते हैं साथ में। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर अंश सोना के पास आया और उसकी कमर में अपना हाथ फंसाकर उसे अपने करीब खींच लिया। सोना अंश के सीने से टकरा गई। वो अपनी नीली आंखों में चमक लेकर अंश को देखने लगी। डांस करने की वजह से उसकी सांसें तेज चल रही थी। अंश ने अपनी कलर से भरी मुट्ठी को सोना के चेहरे के आगे कर दिया। सोना उसे देखकर शरारती ढंग से मुस्कुराई और उसे धक्का देकर जाने लगी, तो अंश ने इस बार उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी और उसकी कमर से लगा फिर से उसे खुद से चिपका लिया। अंश ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ में रखे रंग को उसके गाल पर लगा दिया। सोना की आंखें बंद हो गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये उनकी पहली होली थी। अंश ने उसके दोनों तरफ के गाल पर रंग लगा दिया और उसके सुंदर चेहरे को खोए हुए ढंग से देखने लगा। अंश को लगा बस अब उसे इस नज़ारे के अलावा और कुछ नहीं देखना। उसने सोना के माथे पर किस किया और उसके होठों की तरफ झुकने लगा। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंश उसे किस कर पाता उससे पहले ही सभी तरफ शांति छा गई और दोनों होश में आ गए। अचानक से ये क्या हुआ? दोनों को याद आया दोनों इस वक्त सबके बीच होली खेल रहे हैं। सब दोनों को हैरानी से देख रहे थे। सोना शर्मा गई और वहां से दूसरी तरफ भाग गई। वो भाग ही रही थी कि किसी से टकरा गई। उसने ऊपर देखा तो उसके चेहरे की चमक और होठों की हंसी गायब हो गई। उसके सामने सम्राट जो खड़ा था, उसे देखते हुए सोना कैसे मुस्कुरा सकती थी? सोना को देखते हुए सम्राट के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसका एक हाथ सोना की कमर पर था और दूसरा उसके पैंट की पॉकेट में था। उसकी सफेद शर्ट पर सोना के चेहरे का लाल रंग लग गया था। सोना ने उसे जोर से धक्का दिया और उससे दूर खड़ी हो गई। सम्राट को देखकर अंश का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और सम्राट के सामने आकर खड़ा हो गया। वे दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। अंश को अपने सामने देखकर सम्राट मुस्कुरा दिया। उसने अपने पॉकेट से ढेर सारा गुलाल निकालकर अंश के गाल पर लगाते हुए कहा, तुम्हारी पहली होली मुबारक हो मेरे छोटे भाई। ये सुनकर अंश ने घूर कर उसे देखा। वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सम्राट ने कहा, कमाल है, मैंने इस पार्टी को अरेंज किया और मुझे ही यहाँ आने की इजाजत नहीं है, दैट्स नॉट फेयर। सब ये सुनकर हैरान हो गए। सम्राट ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए अंश के बगल से होकर रिहान के पास आ गया। उसने उसे रंग लगाया और बोला, हैप्पी होली रिहान।
रेहान हकलाते हुए बोला, हैप्पी होली सम्राट भाई। सम्राट मुस्कुराया। रेहान सम्राट से इतना करीब कभी नहीं रहा, जिसकी वजह से उसे सम्राट के इस रूप को देखकर अजीब लग रहा था। उसे कभी सम्राट से अच्छी वाइब नहीं आती थी। रेहान सिर्फ अंश को लेकर ही पॉजेसिव था। इसी तरह उसने सबको रंग लगाया, लेकिन वो पीहू के पास नहीं आया। सबने बदले में उसे हरे रंग से रंग दिया, जिससे वो एकदम तोता लग रहा था। पर सम्राट को कहां फर्क पड़ने वाला था। वो सोना को देखते हुए उसके पास जाने लगा तो अंश उसके सामने आकर रुक गया। उन्हें देखकर सोना अपने मन में बोली, हे महादेव, आप प्लीज इन दोनों की लड़ाई मत करवा देना। आज ही तो सब कुछ ठीक हुआ है, अब कुछ और गड़बड़ मत कर देना। अंश सम्राट से कुछ कह पाता सोना उसके पास आ गई। उसने अंश की बांह को पकड़ा और धीरे से बोली, अंश चलिए यहाँ से, बेकार में तमाशा मत बनाइए। अंश ने सोना को चिढ़ते हुए देखा और उसका हाथ झटक दिया। वो कुछ कहता उससे पहले गेट से कुछ कार्स अंदर आकर रुकी। सब उन्हें देखने लगे। एक कार का गेट खुला और वहां से रघुवीर सिंह ठाकुर और उसका बेटा नकुल सिंह ठाकुर बाहर निकले। उन्हें देखकर सम्राट की मुस्कान बड़ी हो गई और वो उनके पास चला गया। सम्राट रघुवीर सिंह ठाकुर के गले से लगते हुए बोला, हैप्पी होली बाबा। रघुवीर सिंह ठाकुर ने भी सम्राट की पीठ को थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोला, हैप्पी होली सम्राट। ऐसे ही सम्राट नकुल के साथ भी मिला। ये सब देखकर अंश के गुस्से का अब ठिकाना नहीं रहा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। उसके पास ही खड़ी सोना भी उसके गुस्से की गर्मी को महसूस कर सकती थी। सब अंश के पास आकर खड़े हो गए। रघुवीर सिंह ठाकुर हाथ जोड़कर सबके सामने आ गए। उसने कहा, इस शहर में हमारे जानने वाले आप लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है, और आज होली के शुभ अवसर पर हम आप सबको होली की बधाई देने आए हैं। होली की बहुत बहुत बधाई हो अंश बेटे। अंश कुछ कहने को ही था कि दीप ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिल अंश, यहाँ कुछ मत करो। इधर शौर्य भी कठोर आंखों से रघुवीर सिंह ठाकुर को घूर रहा था। रघुवीर सिंह ठाकुर और उसके बेटे नकुल ठाकुर रायजादा हवेली में सबको होली की बधाई देने आए थे। उन्हें देखकर अंश, शौर्य और दीप के साथ सब हैरान थे। अंश अपने चेहरे पर कठोरता के भाव लाते हुए बोला, अब तुमने हमें होली विश कर ही दी है तो यहीं से वापस भी चले जाओ, क्योंकि मैं गली के कुत्तों को अपने घर में घुसने की इजाजत नहीं देता। क्या पता कब आपके मुंह से निवाला छीन ले जाए। ये सुनकर सभी लोग अंश को देखने लगे। सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, अंश अपनी जुबान पर काबू रखो, तुम बाबा से इस तरह बात नहीं कर सकते। सम्राट को रघुवीर ठाकुर की साइड लेते देखकर अंश के होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने उसी लहजे में कहा, लो आ गया गली के कुत्ते का वफादार दोस्त। तुम दोनों जाओ और होली खेलते रहो, यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। उसे खुद की बेइज्जती करते देखकर सम्राट का जबड़ा कस गया। वो गुस्से में अंश की तरफ बढ़ा, लेकिन रघुवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। अंश के उनके मुंह पर बेइज्जती करने के बावजूद रघुवीर सिंह ठाकुर मुस्कुरा रहा था, और नकुल अपने बाबा की फिर से बेइज्जती होते देखकर गुस्से से अंश को घूर रहा था। तभी उसकी नजर शिवी पर पड़ी, जो दीप के पास ही खड़ी थी। शिवी ने अपने ऊपर उसकी नजर महसूस की तो उसे देखने लगी। उसके गुस्से से इस तरह देखने से वो डर कर दीप के पीछे छिप गई। इतने में एक नौकर ने शिवा को बाहर हो रहे तमाशे के बारे में बता दिया था। रघुवीर के आने की बात सुनकर शिवा बाहर आ गए। उन्होंने रघुवीर को देखा और उनका चेहरा भी अंश की तरह सख्त हो गया। उन्हें सालों पुरानी बीती बातें याद आने लगी। रघुवीर ने भी शिवा को देखा और मुस्कुराते हुए शिवा के पास आकर उसके गले से लगते हुए बोला, होली मुबारक मेरे सबसे पुराने और सबसे अच्छे दोस्त। शिवा ने कहा, तुम्हें भी होली मुबारक हो रघुवीर, लेकिन तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि अब पहले जैसे हमारे बीच दोस्ती नहीं रही, और तुम भी ये अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसा क्यों है। रघुवीर हंसने लगे। उन्होंने कहा, शिवा, उस बात को बीते काफी साल हो गए, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? देखो, मैं फिर से तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है फिर से इसकी शुरुआत करने के लिए। अंश सामने आते हुए बोला, ऐसी बातें उनके सामने जाकर करो जिन्हें तुम्हारी असलियत नहीं पता, और यहाँ पर सबको तुम्हारी असलियत काफी अच्छे से पता है। सम्राट गुस्से से बोला, डैड, अंश को समझाइए, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। कोई घर आए मेहमान से ऐसे बात करता है? इससे कहिए अभी बाबा से माफी मांगे। अंश ने दांत पीसते हुए कहा, इससे तो हमारे घर का ब्राउनी भी माफी ना मांगे। और वो वहां से चला गया।
उसके पीछे सब लोग अंदर आ गए। अब वहां पर शिवा, रघुवीर, नकुल और सम्राट ही खड़े थे। शिवा ने कहा, देखो रघुवीर, हमारे बीच अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम ये बात जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसने सम्राट को देखा और कहा, और तुम्हारे लिए भी सम्राट, जल्द से जल्द अपने और पराई में फर्क करना सीख लो, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हें चीजें समझ ना आए। उसकी बातें सुनकर सबका चेहरा कठोर हो गया। शिवा ने सबको देखा। सम्राट रघुवीर से कुछ कहने को था कि रघुवीर ने उसे कुछ कहने से रोक दिया और जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके जाने के बाद शिवा ने घूर कर सम्राट को देखा और कुछ कहने वाले थे कि तभी कुछ कार्स हवेली के गेट से एंटर हुई। कुछ कार्स से गार्ड्स बाहर आए। एक गार्ड ने बीच वाली कार का गेट खोला और वहां से मिस्टर देशमुख बाहर आए। मिस्टर देशमुख ने शिवा को देखा और उसके पास आकर उसके गले से लगते हुए बोला, शिवा। सम्राट मिस्टर देशमुख को अच्छे से पहचानता था और मिस्टर देशमुख ने भी सम्राट को पहचान लिया। उसने हंसते हुए कहा, सम्राट, तुम कैसे हो? लुक, मेरी आहाना भी आई है तुमसे मिलने। ये कहते हुए उसने आहाना की तरफ इशारा किया जो कार से बाहर आ रही थी। मिस्टर देशमुख बोले, तुम उससे मिलो। शिवा और मिस्टर देशमुख अंदर चले गए। आहाना सम्राट को देखते हुए उसके पास आई और उसे ना पहचानते हुए ऊपर से नीचे उसे देखने लगी। सम्राट पूरी तरह से हरे रंग में रंगा हुआ था, इसलिए उसने उसे बहुत अजीब नजरों से देखा और कहा, जाकर कार से मेरा सामान लेकर आओ। सम्राट ने उसे घूर कर देखा। आहाना ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, जाओ, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? पता नहीं अंकल ने कैसे कैसे लोगों को काम पर रखा है। ये कहते हुए उसने अपना बैग सम्राट के हाथ में पकड़ा दिया। सम्राट का दिमाग तो अंश की वजह से पहले ही खराब था। अब आहाना के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। उसने गुस्से से उसके बैग को जमीन पर पटका और बोला, मैं तुम्हें नौकर दिख रहा हूँ? सम्राट सिंह रायजादा है मेरा नाम, तुम खुद को समझती क्या हो? आहाना मुंह खोलकर अपने बैग को देख रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें पता ये कितना महंगा है? 60 लाख का है। सम्राट ने ये सुना और बोला, 60 लाख, माय फुट, और वो उसके बैग को लात मारते हुए वहां से चला गया। इधर अंश कमरे में आ गया। वो गुस्से में कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। सोना भी उसके पीछे अंदर आ गई। अंश को इतने गुस्से में देखकर सोना परेशान हो गई। वो कुछ सोचते हुए सोफे पर बैठ गई। अभी वो बैठी ही थी कि अंश वॉशरूम से चिल्लाया, बीवी। सोना अपने ख्यालों से बाहर आ गई। वो दरवाजा खटखटाते हुए बोली, जी हम यही हैं, क्या हुआ? अंश ने बाथरूम का दरवाजा खोला और गुस्से से बोला, तुमने ये कौन सा रंग लगा दिया है मुझे, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा? अगर ये नहीं गया तो मैं अगली बार से तुम्हें होली खेलने की परमिशन नहीं दूंगा। सोना उसके चिल्लाने से चौंक गई। उसने धीरे से कहा, वो वहां पर लेप है, आप उसे लगा लीजिए, उससे आपके शरीर का सारा रंग निकल जाएगा। और वो जाने लगी तो अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोला, अब इसे लगा भी दो, मुझे नहीं पता कैसे लगाते हैं। सोना ने उसे बैठने के लिए कहा और लेप लेकर उसके पास आ गई। वो उसके सामने खड़ी होकर लेप लगाने लगी। अंश उसे देखने लगा। सोना उसे आई कॉन्टैक्ट करने से बच रही थी। अंश ने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सोना नीचे देखने लगी। अंश ने उसके चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और धीरे से बोला, आई एम सॉरी बेबी, तुम जानती हो ना मैं गुस्से में कुछ नहीं सोचता, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सेफ पॉकेट।